नमस्कार दोस्तों, बिहाइंड द व्हील्स परिवार के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन के बारे में, यानी कि बहुत देसी भाषा में कमानी के बारे में। अब मेरे को ऐसा होता था कि हर वीडियो में बता रहा हूँ कि ये इसमें कमानी लगी है, सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन लगा हुआ है, इतने पट्टा कमानी लगी हुई है, इसमें इतने पट्टे लगे हुए हैं, इसमें पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग है, इसमें बोगी सस्पेंशन है। तो मन में लगता था कि यार सामने वाले को पता भी है कि नहीं, कि मतलब उसके कुछ टेक्निकलिटीज़ में नहीं जा रहा हूँ। अगर आप मैकेनिकल वाले हो तो आप बिल्कुल इस वीडियो को मत देखो, क्योंकि हम वो कुछ ऐसे डेरिवेशन वगैरह यहाँ नहीं करने वाले। मैं बहुत सरल और आसान भाषा में आपको बताऊंगा कि हम पट्टा कमानिया वगैरह का इतने लंबे टाइम से क्यों यूज़ कर रहे हैं और उनका क्या फ़ायदा है। एक और रिक्वेस्ट है, अगर छोटी सी, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि अगली बार से जब भी वीडियो लेके आऊँ तो आपको पता चल जाए। अब हम बात करते हैं कि लीफ स्प्रिंग्स क्या होती हैं। तो लीफ स्प्रिंग्स जो हैं वो बहुत ही देसी भाषा में हम कहते हैं कमानिया। कहने का मतलब ये है कि मैंने एक पट्टा लिया और उस पट्टे को जो है उस पट्टे के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक पट्टे डाल दिए। अब इसके लिए मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेकर चलूँगा, पर उससे पहले हम एक छोटी सी चीज़ समझते हैं कि जो लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन होती है वो स्टील से बनी होती है। स्टील यानी कि आयरन, यानी कि लोहे और बहुत सारे धातुओं को मिला के एक स्टील बना दिया जाता है कंपोजिशन में, और उस कंपोजिशन के हिसाब से लैमिनेटेड लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन बन जाती है। अब लैमिनेटेड इसलिए कहती है कि एक जो मास्टर लीव होती है उसके नीचे एक के नीचे एक के नीचे ग्रेजुएटेड लीव्स होती है, तो उसके लिए ये जो सारी सिस्टम है वो कहीं ना कहीं हमारा लैमिनेशन वाला सीन हो जाता है। तो ये लैमिनेटेड लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन हो गई। और मैं सच कहूँ तो और सरल भाषा में बताऊँ तो एक्सल के बीच में और बॉडी के बीच में जो एक लिंक होता है वो लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन होती है। वहाँ पे जिस तरीके से शॉकअप्स होते हैं हमारी टू व्हीलर्स में, जिस तरीके से और बेटर तरीके से कॉयल स्प्रिंग, हेलिकल कॉयल स्प्रिंग वगैरह हम यूज़ करते हैं हमारी कार्स वगैरह में, तो ये कहीं ना कहीं लीफ स्प्रिंग जो है वही काम करती है। तो कमानी जो है वो कहीं ना कहीं बड़ी कमर्शियल व्हीकल्स का शॉकअप होती है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने स्क्रीन के ऊपर, और स्क्रीन पे आप समझेंगे कि इसमें क्या कुछ कंपोनेंट्स लगे होते हैं, क्या सारे पार्ट्स होते हैं, कैसे ये काम करती है। कुछ डे टू डे लाइफ से भी हम लीफ स्प्रिंग की फोटोग्राफ्स वगैरह जो है मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप वहां चलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग लौट के बाद में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वगैरह क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें इसके बारे में बात करने वाले। तो चलिए चलते हैं हम हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे कॉमन लीफ स्प्रिंग हम जो देखते हैं वो कुछ ऐसी देखते हैं, और ये जो है वो एक नॉर्मल लीफ स्प्रिंग जो आप किसी भी कमर्शियल व्हीकल में देखेंगे वो ये है। तो यहाँ जो है हम इसको चेजेस पर माउंट करते हैं दोनों तरफ, एक तरफ जो है शैकल होता है, एक तरफ जो है आई होती है, एक तरफ से ये जो है वो फिक्स्ड होती है और यहाँ से ये जो है मूव कर सकती है। अभी ये जो है ऊपर ये सबसे पहली वाली जो लीव दिख रही है आपको, सबसे लंबी वाली जिसमें ये दोनों एंड्स अटैच्ड हैं, ये मास्टर लीव होती है। ये सारी जो है ग्रेजुएटेड लीव्स हैं, और इसको लैमिनेटेड लीव इसलिए कहते हैं कि एक के नीचे एक जो है लैमिनेट हो रही है लीव, तो उसको हम लैमिनेटेड लीव कहते हैं। यहाँ से ये जो है यू बोल्ट है, जिससे कि हम इसको एक्सल के साथ कन्फिगर करते हैं। ये जो लीव्स हैं एक साथ अलाइन रहे, अंदर बाहर ना निकले, यानी कि जब भी डैम्प वगैरह हो तो ये अपनी नॉर्मल इस लीव के ही जो ऊपर वाली जो लीव है उसी के अलाइनमेंट पर रहे, तो इसलिए हम इस पर यहाँ पे रिबाउंड क्लिप लगाते हैं, तो इसको जो है रिबाउंड क्लिप कहते हैं। तो ये जो है कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इसको हम जोड़ते हैं शैकल से। अब मैं आपको शैकल दिखा देता हूँ। तो पहले हम देखेंगे कि जो नॉर्मल लीव्स दिखती हैं वो कैसी दिखती हैं। तो ये जो है आपको डे टू डे लाइफ में ऐसी लीव्स दिखेंगी, एक नॉर्मल कमर्शियल व्हीकल में आप जब देखेंगे तो आपको ऐसी लीव्स दिखने वाली हैं, यानी कि ये जो है आपको रिबाउंड क्लिप दिख रही है। यहाँ से यू बोल्ट आपको दिखेगा जो एक्सल के साथ यहाँ नीचे की तरफ कन्फिगर है, तो ये जो है एक्सल के साथ कन्फिग्रेशन है। यहाँ ऊपर की तरफ चेजेस से लगा हुआ है, ये जो ऊपर दिख रहा है आपको ये हेल्पर लीफ स्प्रिंग कहलाते हैं। ये इनका मेन स्प्रिंग नहीं होते, ये सिर्फ हेल्प करने के लिए होते हैं इन केस ऑफ सर्टेन केसेस में, ये सिर्फ हेल्प करते हैं। बाकी आपको नॉर्मल लीफ जो है यहाँ दिख जाएगी। ये जो है शैकल होता है, यानी कि जो मूवेबल पार्ट होता है, सारा खेल इसी का होता है। यानी कि जब भी ये जो लीफ पे वजन पड़ेगा, एक्सल जब भी इसके नजदीक आएगा तो क्या होगा, ये जो लीफ है ये आगे जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये एक लिमिट के बाद जो है अब बैंड नहीं हो सकता, तो ये जो है इसको आगे की तरफ कर देगा। वैसे इनको ग्रीस करने की जरूरत पड़ती है, शैकल वगैरह को ग्रीस करके रखा जाता है, एक बेयरिंग टाइप से काम करते हैं। बट अब चूंकि इतने एडवांस्ड रबर बुश वगैरह आने लगे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज होने लगी है, कि ये कई बार आप मेंटेनेंस फ्री भी आपको कई व्हीकल्स में देखने को मिल जाएंगे, स्पेशली BS6 एरा में 2021 में जब हम लोग लीफ स्प्रिंग देखते हैं तो काफी ज्यादा एडवांस्ड हो गए। पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग भी जो है एक एडवांस्ड फॉर्म ऑफ लीफ स्प्रिंग ही है। अब जब यहाँ देखेंगे तो एक और चीज आपको देखने को मिलेगी, हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्वर। ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा बहुत हाइड्रोलिक जो शॉक एब्जॉर्वर होते हैं, एंटी रोल बार्स के नाम से जाने जाते हैं। एंटी रोल बार इसलिए दिए जाते हैं कि जब आपकी गाड़ी रोल होती है, स्टेबल नहीं रहती है, तो एंटी रोल बार जो है यहाँ से आपको कहीं ना कहीं हेल्प करने वाला है। तो ये जो है डैम्प हो जाता है कहीं ना कहीं, तो लीफ स्प्रिंग आपको उतना ज्यादा हेल्प ना करे तो ये करती है। बाकी यहाँ देखिए कि ये वाला जो रिबाउंड क्लिप है, यहाँ थोड़ी सी जगह छूटी हुई है, तो अगर आप चाहें तो लीव्स वगैरह बढ़वा सकते हैं। और लीफ स्प्रिंग का सबसे बेहतर काम यही है कि मान लीजिए कि अगर आपकी ये वाली लीव जो है डैमेज होती है ओवरलोड के कारण, या कोई भी ये वाली अगर लीव है जो थर्ड नंबर की लीव है, अगर वो कहीं ना कहीं डैमेज होती है, तो आप इस लीव को सिर्फ चेंज करवा सकते हैं।
इनकी जो ओवरऑल चेंज करने की कॉस्ट है वो काफ़ी कम आती है। साथ ही साथ आपको एक और चीज़ यहाँ देखने को ये मिलेगी कि इनकी जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा हैवी है, एक सस्पेंशन पूरा का पूरा ये है। और एक और चीज़ जो बहुत बेहतर नोटिस करने वाली है वो ये है, ये गाड़ी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और ये जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सारे के सारे चेजेस में इसका वेट, तो एक सिंगल पॉइंट पर कहीं भी चेजेस पर वेट नहीं आता है, जो कि बहुत ही बेहतर चीज़ है, जिससे कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है जब हैवी लोड करते हो, ओवरलोड करते हो, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें देखने को मिलती है। राइड क्वालिटी जो है थोड़ी सी स्टिफ जरूर रहती है, पर बाकी सारी चीज़ें बेहतर है। अब हम चलते हैं स्टूडियो में और वहाँ से हम बात करेंगे कि इन स्क्रिप्ट का क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आपको देख के समझ में आ गया होगा कि लीफ स्प्रिंग क्या होती है, क्या सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत ही बेसिक सा बताया मैंने, क्योंकि मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी लीफ स्प्रिंग्स के बारे में जानने के, तो मैंने सोचा कि आपके लिए वीडियो बनाया जाए, तो वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। अब बड़े कमर्शियल व्हीकल्स में इसको क्यों यूज़ किया जाता है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे लीफ स्प्रिंग यानी कमानी के फायदे के बारे में, कमानी के क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहली बात तो कि जितना लोड कमानी ले सकती है उतना लोड कोई और तरीके का सस्पेंशन नहीं ले सकता, चाहे फिर वो एयर सस्पेंशन हो चाहे हेलिकल सस्पेंशन हो। कई बार सस्पेंशन आपको एयर सस्पेंशन और हेलिकल सस्पेंशन इस काबिल आप बना देते हो कि वो उतना लोड ले सकता है, पर वो इतना महंगा पड़ता है कि वो इस कॉस्ट को बियर नहीं कर सकता। और इससे बड़ा दूसरा एडवांटेज भी यही है कि जिस रेट में आपको, जिस तरीके से आपको और जिस कॉस्ट पे आपको लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिल जाती है, उस कॉस्ट पे आपको कोई और दूसरे तरीके का सस्पेंशन नहीं मिल सकता। आपको पहली चीज़ हो गई कि ये बहुत ज़्यादा लोड बेयरिंग कैपेसिटीज़ की होती है, दूसरी चीज़ ये है कि ये बहुत सस्ते होते हैं, इनकी रिपेयरिंग कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम होती है, यानी कि लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन काफ़ी कम रेट में जो है रिपेयर हो जाते हैं। मान लीजिए आपने 10 कमानियाँ लगा रखी हैं और अगर उसमें से 2 कमानियाँ जो है डैमेज भी हो जाती हैं तो आपको सिर्फ 2 कमानियाँ बदलवानी पड़ेंगी, तो ये जो है काफ़ी इजी पड़ता है, आसान पड़ता है। जबकि अगर आपने कोई कॉइल स्प्रिंग लगा रखी है, एयर सस्पेंशन लगा रखा है, तो एयर सस्पेंशन का कोई कंपोनेंट लीक हो जाए या कुछ भी हो जाए तो वो बहुत दिक्कत होती है वहाँ पे हमें बहुत दिक्कत होती है उस चीज़ को ठीक कराने में, चीप होती है। और ये सबसे सस्ता लिंकेज है बॉडी और एक्सल के बीच में, यानी कि एक्सल के बीच में हमें कुछ ना कुछ तो लगाना ही था, तो क्यों ना लीफ स्प्रिंग ही लगा ली जाए। साथ ही साथ ये जो है एक्सल डैम्पिंग को भी प्रोवाइड करती है, यानी कि आपकी जो एक्सल है, जब एक्सल पर धचका लगेगा, एक्सल ऊपर होगा, तो बॉडी में एक पॉइंट पर जो है लोड नहीं आता, लोड जो है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि 2 पॉइंट्स पर लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो फिर जो है लीफ स्प्रिंग की तरह, जैसे कि अगर आगे से लीफ स्प्रिंग ऐसे ऐसे मूव हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जैसे कि ये वाली जो ऐसे मूव होगी तो ईजिली वो चीज़ मैनेज हो जाती है, कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमारी गाड़ी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। और ये सारी चीज़ें, इनका जो मेंटेनेंस होता है काफ़ी कम होता है, कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम होती है, लोड बेयरिंग कैपेसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, रिपेयरिंग कॉस्ट वगैरह आपको बहुत ज़्यादा नहीं आएगी। और एक और बड़ा एडवांटेज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो है वो बॉडी को हेलिकल स्प्रिंग वगैरह की तरह सिंगल पॉइंट पर डैम्प नहीं करते, यानी कि मल्टीपल पॉइंट्स पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो लीफ स्प्रिंग जो है कहीं ना कहीं वेट डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी करती है। अब चूंकि लैमिनेटेड लीव्स इसलिए यूज़ करते हैं, मल्टीपल लीव्स इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि एक लीफ की अगर मैं उतनी अगर उसको इतनी टेंसाइल स्ट्रेंथ देनी है, इतनी स्ट्रेंथ देनी है, तो मुझे काफ़ी चौड़ी लीफ बनानी पड़ेगी, इतना स्पेस होता नहीं है, तो मैं जो है एक लीफ पतली बनाता हूँ, पतली लीफ को जो है काफ़ी सारा एक के नीचे एक काफ़ी सारी जो है लीव्स लगा दूंगा, तो उसके बाद जो है कहीं ना कहीं ऐसा होगा जितना वेट आप कैरी करवाना चाह रहे हैं तो उतना वेट कैरिंग कैपेसिटी जो है उसकी कहीं ना कहीं बढ़ जाती आ जाती है। अब हम लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन को डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो इसका यही है कि ये जो है स्टिफ राइड क्वालिटी प्रोवाइड करती है, यानी कि ये जो है इसका ट्रैवल जो है थोड़ा सा कम होता है, तो इस कारण से आपको राइड क्वालिटी स्टिफ होगी, आपको उतना बेहतर मज़ा नहीं आएगा जितना आपको एयर सस्पेंशन में आएगा या फिर आपको हेलिकल सस्पेंशन वगैरह में आने वाला, शॉकअप वगैरह में जो आप कहते हैं उसमें आने वाला है, उसमें इतना मज़ा नहीं आएगा लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन में, तो राइड क्वालिटी कहीं ना कहीं आपकी स्टिफ होने वाली है। इंटरलीफ फ्रिक्शन जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है, तो इंटरलीफ फ्रिक्शन को आप नहीं रोक पाते हैं लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन में, तो ये जो है वो चीज़ है। कई बार लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन जो है वो सैग हो जाती है, यानी कि कहने का मतलब ये बैंड हो जाएगी एक तरफ से, विद द टाइम फ्रिक्शन हो जाता है, उसकी जो स्ट्रेंथ रहती है वो वापस अपने शेप को रिटेन नहीं कर पाती है, कई बार शेप से बाहर आ जाती है, कई बार टूट जाती है वो अलग चीज़ है, पर कई बार टूटे बिना भी जो आ जाती है, तो जिस कारण से व्हीकल अलाइनमेंट वगैरह, हालांकि लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन एक ऐसा सस्पेंशन है जिसमें आपको सबसे कम व्हील अलाइनमेंट करवाना पड़ता है, जो आपकी गाड़ी को सबसे मोस्ट स्टेबल रखती है, आप बेटर तरीके से स्टीयरिंग वगैरह को मेंटेन कर पाते हैं। हैवी कमर्शियल व्हीकल्स में सबसे ज़्यादा लीफ स्प्रिंग यूज़ होने का कारण भी यही है कि बेहतर तरीके से चीप लो मेंटेनेंस में आपकी गाड़ी को एक तरीके से बेटर तरीके से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, तो जो गाड़ी की एक हाइट मेंटेन करना होता है वो आप लीफ स्प्रिंग से कर सकते हैं, कि आपको गाड़ी की हाइट अगर थोड़ी बढ़ानी है तो आपने 2 पत्ते बढ़ा दिए, 2 लीव्स बढ़ा दिए, तो आपकी गाड़ी की हाइट बढ़ जाएगी, और एक कांस्टेंट हाइट को जो है हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हैं, कई बार ओवरलोडिंग वगैरह भी हमें गाड़ी में करनी होती है तो वो पट्टी वगैरह बढ़ा के कर देते हैं, हेल्पर लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन भी आ जाती है। इसके मैं टाइप्स के बारे में आपसे बात ज़्यादा नहीं करूँगा, कारण ये है कि इसमें जो है बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जैसे कि फुल क्वार्टर लीफ हो गया, 3/4 लीफ हो गया, सेमी इलेप्टिकल हो गया, जो है तो बहुत सारी चीज़ होती है। साथ ही साथ कुछ जो मैं कॉमनली अपनी वीडियोस में बात करता हूँ, जब व्हीकल वगैरह का रिव्यू करने जाता हूँ, तब
कि एक पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन होती है। तो पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन एक्चुअली सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन का ही एक थोड़ा सा मॉडर्न पार्ट है, जिसमें कि आपको एक तीन चार लीव्स लगाने की जगह सिंगल लीव ही जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोड लेने में सक्षम होती है, कहीं ना कहीं उस काम में आती है, तो बेटर तरीके से मॉडर्न है। साथ ही साथ बोगी सस्पेंशन की मैं बात करता हूँ, तो बोगी सस्पेंशन के ऊपर अपन एक दिन अलग से वीडियो बनाएंगे। तो एक दिन अलग से जब वीडियो बनाएंगे तो आपको एयर सस्पेंशन के बारे में बात करूंगा, बोगी सस्पेंशन की बात करूंगा, हेलिकल स्प्रिंग वगैरह के बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे कि सारी चीज़ें जो है क्या होती हैं। हालांकि हेलिकल स्प्रिंग का एक छोटा सा पार्ट जो कि हम लोग कहते हैं एंटी रोल बार्स जिसे कहते हैं, जिससे कि गाड़ी जो है एंटी रोल नहीं, जिसमें रोलिंग वगैरह गाड़ी की कम हो जाती है, तो दोनों तरफ एक तरीके से हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स को लगा दिया जाता है, वो भी कहीं ना कहीं हेलिकल स्प्रिंग का ही पार्ट होते हैं। बहुत ही सिंपल सरल भाषा में मुझे आपको बताना था कि लीफ स्प्रिंग जो है किस तरीके से काम करती है, क्या होती है, क्या नहीं होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब भी आपको कोई डाउट रह गया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछेंगे तो मैं अगली बार जो वीडियो है उसमें वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर दूंगा। कोशिश करूंगा कमेंट सेक्शन में ही मैं आपको लिख के क्लियर कर दूं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल ये तीनों चीज़ें फ्री हैं आपके लिए। लाइक करेंगे तो मुझे थोड़ा सा बेहतर लगता है। तब तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, इंश्योरेंस वक्त से पहले रिन्यू करा लीजिए और ट्रैफिक पुलिसमैन से कभी मत झगड़िए। मिलता हूँ आपसे बेहद जल्द ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।